आज हम लोग संघर्ष करेंगे और मुझे पूरा भरोसा 2030 तक हम ऐसी शक्ति ऐसी ताकत बनाएंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी को कोई गलत नहीं बोलेगा, जिस जुबान से गलत बोलेगा उस जुबान को खींचने का ताकत हम आने वाले समय में बनाएंगे ऐसी ताकत कि खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इतना मुकेश सहनी से दर्द क्यों है। मतलब मैं ये जानता था कि उनके सपना में मैं आता हूं और कुछ जरूरी से ज्यादा आने लगा और आज तो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं, ऐसा बयान देने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई रोड छाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं, जो इनका रेंट होता है सरकारी उसके 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं और उनको तकलीफ है कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा कैसे घर में रह रहा है। वो रोड पे बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे चिराग पासवान जी को निकाले, उनके पिताजी को प्रतिमा को पैरों के तले कुछ ले, उसी तरीके से आज एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को रोड पे निकालना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें पार्टी को तोड़ दिए, हमें रोड पे ला दिए और आज चाहते कि रोड पे फिर ला दे। तो मुझे कोई फर्क कि मुझे लगता कि उनके दिमागी हालत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ठीक नहीं है। और यहाँ कोलवर में भी सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक पागलखाना का उद्घाटन भी 2 महीने पहले किए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाजपा के बड़े नेता ये आपके नाव डुबाने वाले हैं, इससे पहले संजय जायसवाल जी को ये पागलखाना भेज के उनका दिमागी हालत ठीक करवाइए। क्योंकि एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बताइए, बच्चे के जैसे रो रहे हैं, बच्चे के जैसे गाली दे रहे हैं, वो भी पिछड़ा समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये करना बंद करें और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा। हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। भूमियार समाज से हमने वहां पे अपर कास्ट में हमने टिकट दिया है और हम उनसे गठबंधन किए, हम जनता से गठबंधन किए। आपके जैसे हम चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेक नहीं दिए, आपने हमारे पास भी घुटने पे टेकने के लिए आए थे लेकिन हमने आपकी बात नहीं माना। आपने चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेका, हमने तो जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन के लिए बात कराए। और जब हम चुनाव नहीं लड़े वो भाजपा का बड़ा नेता, जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे उस समय से बड़ा नेता है, उनके इज्जत मैंने किया, इसलिए हमने 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा। वहां पे हम पे आरोप लगा दिया कि आपने महागठबंधन से पैसा ले लिया, इससे पैसा ले लिया। अरे भैया आप अपने नेता से बताओ कि कितना पैसा दिए हम चुनाव नहीं लड़े। मैं अहम रोल वीआईपी पार्टी का था, जितना रोल अगर बीजेपी का था 74 विधायक के साथ उनके पास उतना रोल था, सरकार बना वही रोल हमारे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, जेडीयू समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, माझी जी समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता और भाजपा समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। यानी कि 4 पार्टी मिलकर सरकार बनाए और 74 हो या 4 हो, सबके पास पावर वही था सरकार बनाने में। तो इसलिए ये पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आए हैं, इसलिए परेशान करने में लगे रहते हैं। आज बताइए अति पिछड़ा का बेटा एक घर में बंगला में है, वो भी 30 गुना फाइन के साथ हम बंगला में रेंट देके रह रहे हैं, तो इनको इतना तकलीफ है भाई? अरे तकलीफ किस बात का, रोड पे उतर जाए, बोलिए आप आ जाओ सरकार। अगर ये इसका बस चलता, ये सरकार में रहता तो अभी तक हमको बाहर करा देते, कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, जुब्बा सहनी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, पूलन देवी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते। इसी विचारधारा के लोग हैं। आपने देखा कि रामविलास पासवान जी तो किस तरीके से चिराग पासवान वहां से हटे तो प्रतिमा किस तरीके से फेंका गया। तो इस तरीके ये लोग विचारधारा तो ऊपर वाला भी देखें। और वो ए टीम बनाना है, कल दिल्ली में घोषणा कर दीजिए कि निषाद को आरक्षण लागू करते। भैया दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? या आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि मुकेश सहनी जी जो आप मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, हम कल से आरक्षण मांगना बंद कर देंगे। आपने 2014 में हमसे वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। 15 में आपने वादा किया, आरक्षण लागू नहीं किया। 20 में वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। तो भाई 3-3 बार आपने वादा करके आरक्षण लागू नहीं कर रहे, या बता दीजिए कि हम गलत मांग कर रहे तो हम परसों से मांगना बंद कर देंगे, अगर नाजायज मांग रहे तो। जब हमारे सही जुब्बा सहनी सभागार में तमाम हमारे मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वर्ण सेना से यहाँ उपस्थित है पुरुषोत्तम राज जी, आज वीआईपी पार्टी को सदस्यता ग्रहण किए हैं, एकदम जोशीला नौजवान है, इनको पार्टी के तरफ से बड़ा दायित्व दिया जाएगा पटना में, खास करके छात्र विंग को मजबूत करने के लिए और सब प्रवक्ता बनाया जाएगा। इसके लिए आज ब्राह्मण समाज आते हैं
और एकदम क्रांतिकारी युवा हैं और आज इनको पार्टी का सदस्यता लिए हैं। विशेष तौर पर इनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और खास करके आप देख रहे हैं कि हर समाज के लोग आज वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पार्टी के साथ आ रहे हैं और हमारे विचारों को जमीन तक गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए तम साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम पे भरोसा किया और पार्टी भी आपको आने वाले समय में हमेशा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप सभी को जानकारी में है कि कुरन्नी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पे हमारी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और नीलाब जी को हमने टिकट दिया है। ब्राह्मण समाज से है, भूमिहार समाज से आते हैं, अब मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इतना मुकेश सहनी से दर्द क्यों। मतलब मैं ये जानता था कि उनके सपना में मैं आता हूं और कुछ जरूरी से ज्यादा आने लगा और आज तो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं, ऐसा बयान देने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई रोड छाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, देश दुनिया का सबसे बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, थोड़ा सा अपनी पार्टी का गरिमा रखिए। आप अपने विरोधी जो भी नेता उनके बारे में जो भी बोलना बोलिए, एक तर्क के साथ बोलिए, लेकिन जो मर्जी होता वो बोल देते हैं कि भाई मुकेश सहनी बी टीम है, मुकेश सहनी नीतीश कुमार जी का एजेंट है, मुकेश सहनी कोई गुड़वा है, तमाम ऐसे ऐसे पैसे का आरोप लगा रहे, लाखों करोड़ों खोखा का आरोप लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं। आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितना गाली देना है वो मुझे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कभी खुद देते हैं, कभी हमारे समाज के बेटा को खड़ा करके उनसे दिलवाते हैं और जो मर्जी होता वो करते हैं। तो मैं संघर्ष करने वाले लोग हूं, 8 साल से संघर्ष कर रहा हूं और मुझे लगता है कि 8 साल तक और मैं संघर्ष करूंगा। 2030 तक हम लोग इतना मजबूत होंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना मजबूत करेंगे कि मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले 2030 के बाद ये निषाद समाज पर कोई उंगली नहीं उठा पाएंगे और कोई इस तरीके से गाली नहीं देंगे। आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के बंगला मेहरबानी में देकर रखे हैं, नोटिस हमारे पास भी आया बंगला खाली करने का, हमने 1 महीने का समय मांगा है। आप सभी को पता है कि इस बंगला में अमर शहीद जुब्बा सहनी का बड़ा प्रतिमा है, फूलन देवी जी का प्रतिमा है और कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा है और हमने कुछ समय मांगा सरकार से कि हम समय रहते हुए खाली कर देंगे। उसके अलावा 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं, जो इनका रेंट होता है सरकारी उसके 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं। और उनको तकलीफ है कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा कैसे घर में रह रहा है, वो रोड पे बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे चिराग पासवान जी को निकाले, उनके पिताजी को प्रतिमा को पैरों के तले कुछ ले, उसी तरीके से आज एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को रोड पे निकालना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें पार्टी को तोड़ दिए, हमें रोड पे ला दिए और आज चाहते कि रोड पे फिर ला दे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब हमने मुंबई का घर छोड़ा तो हमने बिहार में लाखों निषाद के घर दिलों में हमने घर बना लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिहार में लाखों निषाद का घर है, दिलों में हम घर बना चुके हैं और मजबूती से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा कि गोपालगंज और मोकामा में हमने चुनाव में लड़ा, उस पर भी आरोप लगा दें तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि आप अपने पार्टी में शीर्ष नेता से बात कर लीजिए कि आपके बड़े नेता, अब बिहार में बड़े नेता, कद के नेता, उनके कहने से हमने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने हमारे सामने भी गिरगिराया कि मुकेश जी आप हमको मदद कीजिए, यहां पे चुनाव नहीं लड़िए। हमने स्पष्ट कहा चुनाव एक बार नहीं लड़ेंगे वहां तो ठीक है, लेकिन हम आपको मदद नहीं करेंगे। और हमने महागठबंधन को समर्थन दिया और हमारे एक रणनीति के तहत हमने वहां पे चुनाव नहीं लड़ा और हम घर बैठे अपने निषाद समाज का हमारा कोर वोटर को हमने ट्रांसफर करके दिखा दिया और भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया। जब हम चुनाव नहीं लड़े तो तकलीफ है, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो उनको तकलीफ है। वो चाह रहे हैं कि भाई आप निषाद की राजनीति कर रहे हैं, निषाद को क्यों नहीं टिकट दिया। अरे भैया आप क्यों नहीं टिकट दिया,
हम तो पहले कह चुके थे कि निषाद समाज को महागठबंधन हो एनडीए हो जो भी प्रत्याशी बनाएंगे वहां पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास जो ऑप्शन था निषाद को चुनाव लड़ाना, आपने चुनाव नहीं लड़ा, फिर नहीं लड़ा निषाद को, तो हम मैदान में लड़े हैं। आप तीन तीन पार्टी के से गठबंधन करके रखे, एक तरफ महागठबंधन सात पार्टी के साथ, आप चाहते हैं कि हम यूही बेटू बने रहे, एक एक जात से आप चुनाव जीता जा सकता। हमने वहां पे मजबूती से भूमिहार समाज से, हमने वहां पे अपर कास्ट में हमने टिकट दिया है और हम उनसे गठबंधन किए, हम जनता से गठबंधन किए। आपके जैसे हम चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेक नहीं दिए, आपने हमारे पास भी घुटने पे टेकने के लिए आए थे लेकिन हमने आपकी बात नहीं माना। आपने चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेका, हमने तो जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन किया। मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद समाज को जितने बड़े संख्या में वहां वोट है, उसी तरीके से वहां पे अपर कास्ट का 65,000 वोट है, और अपर कास्ट भी अगर चाह लेगा कि हमारा अपना समाज का बेटा यहां से प्रतिनिधित्व करे, तो निश्चित तौर पर वहां पर हम चुनाव जीत आएंगे। और इसी पॉलिसी के साथ हम लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पे चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैदान में आपने देखा कि बचाओ हमारे पास अपना आधार वोट 30,000 है, यहाँ पे हमारा अपना आधार 30-35,000 वोट है। यहाँ पे जिसके पास 50-55,000 वोट आएगा उनका चुनाव जीत होगा, और हमें 15-20,000 वोट चाहिए। अगर भूमिहार समाज अगर पूरा अपर कास्ट हमें वोट दे देते हैं तो हम 15-20,000 वोट से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है, और हमने वहां पे प्रत्याशी बनाया है उनको, और इसके लिए भी आज उनको तकलीफ है। आज यही बंगला आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि मुकेश सहनी को बंगला में अभी तक है तो आपको एड्रेस मिल जाता है। ठीक 4-5 दिन पहले, जो 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री थे भाजपा के, वो इस बंगले में रात को 11 बजे आए और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुकेश जी हमारे साथ, हमको मदद कीजिए। दिल्ली में भी फोन पे बात कराए, अगर ये बंगला खाली हो गया रहता तो आप कहां हमको ढूंढते। ये तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। तो रात को बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में बात कुछ और करते हैं, रोड पे आप गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं। तो भैया आज हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं, आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यही आपकी नीति है, आप सबका साथ सबका विश्वास कर, विश्वास और विकास करने की बात करते हैं। आप कहते हैं अपने आप को मैं अति पिछड़ा पिछड़ा का बेटा हूं, और आपकी पार्टी के लोग देखिए किस तरीके से अति पिछड़ा को बेटा को आज खड़ा हो रहा है, उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। आज हमारे पार्टी को आपने तोड़ दिया, हमें बाहर कर दिया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए उनके पार्टी के लोग बिहार में किस तरीके से कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि उनके दिमागी हालत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ठीक नहीं है। और यहाँ कोलवर में भी सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक पागल खाना का उद्घाटन भी 2 महीना पहले किए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाजपा के बड़ी नेता, बड़ी नेता ये आपके नाव डुबाने वाले हैं, इससे पहले संजय जायसवाल जी को ये पागल खाना भेज के उनका दिमागी हालत भी करवाइए, क्योंकि एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बताइए बच्चे के जैसे रो रहे हैं, बच्चे के जैसे गाली दे रहे हैं, वो भी पिछड़ा समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये करना बंद करें, और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा। हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। नहीं तो हमने कहा ना 4 दिन पहले आपके पास एक पूर्व मंत्री बंगला में आके गया, हाथ पांव जोड़ के गया, दिल्ली में बात कराए, और जब हम चुनाव नहीं लड़े वो भाजपा का बड़ा नेता, जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे उस समय से बड़ा नेता है, उनकी इज्जत मैंने किया, इसलिए हमने 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा। वहां पे हम पे आरोप लगा दिया कि आपने महागठबंधन से पैसा ले लिया, इससे पैसा ले लिया। अरे भैया आप अपने नेता से बताओ कि कितना पैसा दिए हम चुनाव नहीं लड़े, ये आप स्वयं आप क्लियर करो। और आप भाजपा के बड़े नेता जो बिहार में कुछ नेता है वजूद वाला, जैसे नित्यानंद राय जी हैं, ऐसे लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं कल नाम के साथ क्लियर करूंगा। तो अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं तो ये आपका गरिमा है, इसलिए शांति रहिए। और निषाद समाज का बी टीम हम अगर दूसरे का, तो आप ए बना लीजिए ना, आप ए बना लीजिए, मेरा नाम क्या है, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं आपके ए टीम में आ जाता हूं, बेगर कंडीशन का, बेगर शर्त का। लेकिन आप वो करेंगे नहीं, आरक्षण देंगे नहीं, और मैं अगर यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूं, किसी को समर्थन दे रहा हूं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। ये पार्टी वोट काटने के लिए नहीं है, ये पार्टी 2018 में बना और 20 तक 2 साल में इस पार्टी के पास इतना ऊर्जा है, इतना ताकत है कि 2020 का सरकार जब बना उस सरकार बनाने में अहम रोल वीआईपी पार्टी का था। जितना रोल अगर बीजेपी का था 74 विधायक के साथ, उनके पास अगर उतना रोल था, सरकार बना वही रोल हमारे पास था,
अगर हम समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, जेडीयू समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, माझी जी समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, और भाजपा समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। यानी कि चार पार्टी मिलकर सरकार बनाए, और 74 हो या 4 हो, सबके पास पावर वही था सरकार बनाने में। तो इसलिए ये पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आया है, इसलिए शांति से आप लड़िए, जनता के बीच में जाइए, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको ए टीम बनाना है, कल दिल्ली में घोषणा कर दीजिए कि निषाद को आरक्षण लागू करते। भैया दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? या आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि मुकेश सहनी जी जो आप मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, हम कल से आरक्षण मांगना बंद कर देंगे। आपने 2014 में हमसे वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया, 15 में आपने वादा किया आरक्षण लागू नहीं किया, 20 में वादा किया आपने आरक्षण लागू नहीं किया, तो भाई 3-3 बार आपने वादा करके आरक्षण लागू नहीं कर रहे। या बता दीजिए कि हम गलत मांग कर रहे तो हम परसों से मांगना बंद कर देंगे, अगर नाजायज मांग है तो। जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, और जब हमारे एक भाई को आरक्षण मिल सकता तो एक भाई को क्यों नहीं मिल सकता? तो इसलिए हमारे एक पॉलिसी के तहत हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो कहा ना कि हम लोग मछली मारने वाले का बेटा है, सर उठा के जीना सीख रहे हैं, और ये लोग तरह तरह के गाली देते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के परेशान करने में लगे रहते हैं। आज बताइए, एक अति पिछड़ा का बेटा एक घर में बंगला में है, वो भी 30 गुना फाइन के साथ हम बंगला में रेंट दे के रह रहे हैं, तो इनको इतना तकलीफ है भाई? अरे तकलीफ किस बात का, रोड पे उतर जाए, बोलिए आप आ जाओ सरकार, अगर ये इसका बस चलता, ये सरकार में रहता तो अभी तक हमको बाहर करा देते, कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, जुब्बा सहनी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, पूरन देवी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते। इसी विचारधारा के लोग हैं। आपने देखा कि रामविलास पासवान जी तो किस तरीके से चिराग पासवान वहां से हटे तो प्रतिमा किस तरीके से फेंका गया। तो इस तरीके ये लोग विचारधारा तो ऊपर वाला भी देखे, और इसीलिए लोगों को बिहार के सत्ता से बाहर कर दिए। निश्चित तौर पर ये लोग आज सत्ता में रहता तो मुकेश सहनी आज यहाँ नहीं रहता। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज वो गरीब पिछड़े की बात सुनते हैं और करते हैं। हमारी ये बंगला हमने रजिस्ट्री नहीं किया, हम इसको खाली करेंगे, एक समय के साथ हमने लेते और 30 गुना ज्यादा फाइन के साथ हम रह रहे हैं, तो इसलिए हम समय के साथ हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इसमें भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनके घर में तो जाते नहीं रह रहे, ऐसे लोगों के घर में तो एक रोज एक घंटा नहीं रखेंगे, और उनके घर में जाना भी नहीं। हमने कहा ना, जब मुंबई का मैंने घर छोड़ा तो बिहार में लाखों निषाद के दिल में मैंने घर बना लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुकेश सहनी के पास रहने के लिए बहुत सारा घर है। तो आज ये गाली दे, आज हम लोग संघर्ष करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा 2030 तक हम ऐसी शक्ति ऐसी ताकत बनाएंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी को कोई गलत नहीं बोलेगा, जिस जुबान से गलत बोलेगा उस जुबान को खींचने का ताकत हम आने वाले समय में बनाएंगे। ऐसी ताकत हम रखते हैं, और इसके लिए आज हम संघर्ष करें। आज मुझे लफड़े में नहीं पड़ना है, हम गाली गलौज में नहीं जाना चाहते हैं, हम कोई विवाद में नहीं जाना चाहते। आज सिर्फ हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं, और इन लोगों को जितना गाली देना दे, हम पूरे चुनाव भर इन लोगों का कोई भी बात का जवाब नहीं देंगे। इनको जितना गाली देना दे, हम गाली का जवाब नहीं देंगे, हम जवाब देंगे। 8 तारीख को जिस रोज वोटिंग गिनती होगा उस रोज जवाब दिया जाएगा कि वीआईपी पार्टी के पास ताकत क्या है, और वीआईपी पार्टी के पास लोग कितना है, हम वोट से उनको जवाब देंगे। आज के बाद हमने एक भी किसी भाजपा नेता का कोई जवाब हम नहीं देंगे। धन्यवाद।